So hi everyone, welcome to my new video. So today in this video, again I am covering some unfiltered talk. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक हॉट क्वेश्चन के बारे में, which is regarding purchasing a new VW and Skoda car. और भाई जितने भी लोग कहते हैं कि मैं स्लो बोलता हूँ, भाई YouTube पे फीचर है प्ले बैक स्पीड बटन, उसका इस्तेमाल करो, 1.5x करो, 2x करो, 3x करो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे एडजस्ट करके आराम से वीडियो देखो. आप लोग जैसे जानते हैं, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में रिसेंटली अपडेट्स दिए थे फेसलिफ्ट लीक्स के, स्लाविया मोंटी कार्लो के एंड प्राइस नेगोशिएशन के. सो ये जितनी भी वीडियोस थी उनके नीचे आप कमेंट डाउन बिलो में देखना, सबकी यही क्वेरी है कि सर गाड़ी अभी ली जाए या बाद में ली जाए या कैसे हम प्लान करें. सो एवरी पोटेंशियल बायर इज़ रियली कन्फ्यूज राइट नाउ, और मैंने काफ़ी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. सो इस वीडियो में मैं डिटेल में सब चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि इट गोना टेक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू कवर एवरी डिटेल्ड टॉपिक इन वन वीडियो. सो आप सारी प्रीवियस वीडियोस को जाके जरूर देखना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में. आज की वीडियो में मैं समराइज करूँगा कि वॉट टू वॉच एंड हाउ टू डिसाइड. ठीक है, सबसे पहले आप मेरी फेसलिफ्ट वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने बताया कि पोटेंशियल फेसलिफ्ट में क्या क्या चीज़ें आने वाली है. ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा एक प्लानिंग का आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हाँ ये फीचर्स आने वाले हैं गाड़ी में और मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है. उससे आपकी एक क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में कि यार अगर मैं आज गाड़ी लेता हूँ और ये वाले फीचर्स नहीं होते मेरी गाड़ी में फ्यूचर प्रूफ के लिए के उस हिसाब से, सो मैं क्या खुश रहूँगा या फिर दिक्कत में रहूँगा. समझ रहे हो आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. ये वाली जो चीज़ है ना, ये डिसाइड आप तभी कर पाओगे जब आप इन्फॉर्मेशन वाली देख लोगे. अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं देखी, आपने वो वीडियो मिस कर दी, देन यू कैन नॉट डिसाइड कि व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय. सबसे पहले तो ये पॉइंट है, आपको जाके देखना है कि वाली वीडियो के अंदर कि फेसलिफ्ट लीक्स के अंदर जो जो फीचर्स और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आते हैं दूसरी वीडियो पे. मैंने आपको अभी रिसेंटली स्लाविया मोंटी कार्लो की वीडियो में बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया कि ये जो ट्रिक खेल रहे हैं VW स्कॉडा वाले, ये क्या कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स चेंजेस ला के गाड़ी के अंदर, उस गाड़ी के प्राइस को उतने ही लेवल पे ला के बेच रहे हैं. क्योंकि जो आपका GT नॉर्मल GT वेरिएंट है विदाउट स्पोर्ट्स वाली और विदाउट मोंटी कार्लो वाली, उसके अंदर दो दो ढाई ढाई लाख का डिस्काउंट मिल रहा था मोंटी कार्लो एडिशन से पहले. आपको समझना पड़ेगा, मोंटी कार्लो एडिशन से पहले आपको उस दो से ढाई लाख रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, और विच इज़ अ रियली अ मैसिव डिस्काउंट. तो आपको ये दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपको कॉस्मेटिक्स चेंजेस चाहिए तो आपको आज पुरानी वेरिएंट की गाड़ी में, एंड ऑफ द लाइफ साइकिल की गाड़ी में पैसे पूरे देने पड़ेंगे और आपको वो गाड़ी लेनी पड़ेगी. सो आपका डिसीजन यहाँ पे भी आएगा कि अगर कॉस्मेटिक्स चेंजेस हो गाड़ी में और फेसलिफ्ट अपडेट्स ना हो उससे भी खुश हो और फुल प्राइस पे कर सकते हो, तो यू कैन टेक डिसीजन दैट वे. ठीक है, और लास्ट वीडियो आप देखना मेरी कार बाय नेगोशिएशन वाली, जो मैंने आपको अभी दो चार दिन पहले डाली थी, इन विच आई टोल्ड यू गाइस कि हाउ टू टेक एन अनइमोशनल डिसीजन व्हाइल बाइंग अ कार. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब यूनिवर्सल वे ऑफ नेगोशिएशन है. सो ये तीन वीडियो का समरी है, उसके बेसिस पे आप अपने गाड़ी का बाइंग डिसीजन ले. ठीक है, अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि मेरा क्या प्रोस्पेक्टस है. अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं कैसे डिसीजन लेता. सबसे पहले तो मैं तीनों वीडियोस देखता और उसके बाद मैं डिसाइड करता किस तरह से, मैं वो बताता हूँ. देखो, मैंने गाड़ी जो ले रखी थी, सबसे पहले मैंने ले रखी थी 1.5 TDI DSG वाली वेंटो. सो उस गाड़ी में ना पुश स्टार्ट बटन था, ना सनरूफ था, ना उसके अंदर पैसिव एंट्री थी, कुछ भी नहीं था. इट वॉज़ अ रियली बेसिक कार, एंड व्हेन आई वॉज अपग्रेडिंग टू वर्टस I was getting a lots of new feature which I can really like and live with it for another 5 to 10 years. ये वाली जो factor है ये बहुत important है. अगर आप एक ऐसी गाड़ी से switch कर रहे हो जहाँ पे आपके पास ये वाले features नहीं थे जो आज की गाड़ियों में आ रहे हैं, so आप 2.5 लाख रुपये बचा के वो गाड़ी आज ले सकते हो. It's not like कि भाई आप हाई एंड गाड़ी ही ले लो, कि भाई मैं तो दो चार महीने वेट कर लूँगा और मैं एडास वाली और ये वाली वो वाली गाड़ी का फीचर लेके मैं तो हाईटेक गाड़ी लूँगा. ऐसे नहीं सोचना आपको. आपको ये सोचना है कि आप कौन सी गाड़ी से स्विच कर रहे हो, आपकी फर्स्ट कार है, आप कौन सी गाड़ी से स्विच कर रहे हो, इस पर भी बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करेगा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यू गाड़ी परचेज कर रहे हो, सो टुडे करंट जनरेशन की जो गाड़ी है इज़ रियली गुड एंड रियली गुड फॉर मनी, क्योंकि आप बहुत पैसा बचा रहे हो. ठीक है,
और अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी गाड़ी जैसे XUV 700 है, सफारी है जिसके अंदर 360 कैमरा और ये वो अलाय बलाय फीचर्स हैं ऑलरेडी, सो सेंस नहीं बनता कि आप ऐसी गाड़ी लो जिसके अंदर फीचर कम है और प्राइस भी कम है। आई विल रिकमेंड कि आप वेट करो और हाई एंड वेरियंट पे और फेस लिफ्टेड वेरियंट लो, ठीक है। ये तो चलो एक बात हो गई कि आप एक हाई एंड गाड़ी से अगर स्विच कर रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं एक हाई एंड VW की गाड़ी लूँ। अब आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि आपके पास एक हाई एंड गाड़ी घर पे ऑलरेडी है एंड मुझे एक ड्राइविंग प्लेजर की गाड़ी चाहिए, क्योंकि XUV 700 में टाटा सफारी में इस टाइप का ड्राइविंग प्लेजर नहीं मिलने वाला है। सो यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ ड्राइविंग प्लेजर फॉर चीपर प्राइस राइट नाउ। सो आप उस तरह से भी प्लानिंग कर सकते हो इस गाड़ी की। ये मेरा दूसरा वे ऑफ थिंकिंग है इस चीज़ को लेके। अब तीसरी बात आती है स्पोर्ट्स ट्रिम, मॉन्टी कार्लो एडिशन, जो भी चीज़ें आ रही हैं भाई बच के रहो, बिल्कुल भी इस ट्रैप में मत फंसो। 20-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा का काम नहीं कर रखा है इन्होंने गाड़ी में। आप लोग गाड़ी शादी और उसमें काम करा रहे हो, कॉस्मेटिक्स कहीं से भी, मैं कह रहा हूँ आप स्कॉडा VW से ही करा लो। ब्लैक रूफ कराने, ब्लैक रिम्स कराने हैं, GT बैजिंग लगवानी है, स्पॉयलर लगवाना है, वो तो आप कहीं से भी करवा सकते हो, तो आपके वैसे ही पैसे बच जाने हैं। तो आप इस स्पोर्ट्स ट्रिम और मॉन्टी कार्लो ट्रिम पे तो फंसना ही मत, ठीक है। आप कहोगे कि अंदर के जो मॉन्टी कार्लो के ट्रिम में जो रेड कलर है वो कैसे कराऊंगा, सब कुछ हो पाता है, सब रैप करा सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मीटर में चेंजेस सब कुछ करा सकते हो। देखो सब शौक का गेम है, ठीक है। अगर आपका मेन कंसर्न ये है कि भाई मेरे को ब्लैक इंटीरियर चाहिए, ब्लैक ट्रिम्स चाहिए, देखो वो तो नहीं होने वाला 20-30 हज़ार रुपये में, ये तो आपको श्योर शॉट समझना पड़ेगा। बट अगर आप वो वाले कॉस्मेटिक्स एक्सटीरियर चेंजेस की बात करोगे सो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हो जाएगा। लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि ये मॉन्टी कार्लो एडिशन है या स्पोर्ट्स वेरिएंट है, फेस लिफ्टेड मॉडल के साथ में आएंगे या नहीं आएंगे। भाई देखो कि उन्हें गलती करनी नहीं है, स्कॉडा और VW को गलती नहीं करनी है कि सेल्स कम रहे, तो वो 100% फेस लिफ्टेड मॉडल के थोड़े टाइम बाद ही ये वाले मॉडल के अंदर ये सारे फीचर्स के साथ अपडेट्स लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों से सीख ही लिया होगा ऑलमोस्ट कि स्लाविया मॉन्टे कार्लो जितना लेट उन्होंने रिलीज़ करा उससे वो सेल्स ग्रैब नहीं कर पाएंगे। सो उस गलती को अपने दिमाग में रख के ये स्पोर्ट्स वेरिएंट्स में और आपके मॉन्टे कार्लो एडिशन में फेस लिफ्टेड के अपडेट ज़रूर लाएंगे विद टाइम। और देखो कंपनीज का हमें नहीं पता कि किस तरह से काम करेगी, बट मेरा ये अनुमान है कि ये इस तरह से करने वाले हैं। बट मेरा यही कहना है ये सब चीज़ें कॉस्मेटिक्स अपडेट्स हैं, यू कैन गेट इट डन थ्रू आउट एनीवेयर एनी टाइम। हर इंसान का अपना अपना बजट होता है, कोई बंदा ऐसा भी है कि भाई 1.0 ले रहा है जस्ट बिकॉज कि उसका बजट कम था। सो अब उसे एक अच्छा मौका मिल रहा है कि आप 2-2.5 लाख रुपये बचा के 1.5 GT DSG वाली ले सकते हो, सो वाई नॉट टू ग्रैप दैट अपॉर्चुनिटी। ये मेरा सोचने का तरीका है, ठीक है। क्योंकि आप ये जानते हो कि गाड़ी का मार्केट, ऑटोमोटिव का जो मार्केट है वो इस तरह से ही रहना है हमेशा। आज आप हायर एंड वेरिएंट की गाड़ी ले लोगे, नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ नया आ ही जाएगा, ठीक है। और आप हमेशा इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करोगे कि यार मैं थोड़ा वेट कर लेता, थोड़ा और वेट कर लेता, तो ज़िंदगी भर वेट ही करोगे, ठीक है। तो इस तरह से डिसीजन नहीं लोगे आप लोगे साउंडेड डिसीजन बेस्ड ऑन योर बजट, योर रिक्वायरमेंट। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो उन प्रीवियस वीडियोस को देख के और फिर अपना मन बनाओ कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। और मैं ये 100% बता रहा हूँ कि जो नई गाड़ियाँ आएंगी वो लुक्स में 10-20% ही चेंजेस होंगे उसमें, अगर कभी हुए तो। फेस लिफ्ट मॉडल जो होंगे उनमें फ़ीचर ऐड होंगे, लुक्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आज आप वर्टस GT लेते हो तो स्लाविया लेते हो, सो उसमें 10% ही माइनर चेंजेस होंगे एक्सटीरियर में, इंटीरियर में और कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो स्कॉडा VW का जो पैटर्न है इस तरह से ही है, ऐसे नहीं कि जैसे हमारी हुंडई के अंदर जो सेल्टॉस है, आज सेल्टॉस निकाली उन्होंने, 6 महीने बाद उन्होंने कुछ फेसलिफ्ट निकाला, फेसलिफ्ट के अंदर क्या उन्होंने कनेक्टिंग हेडलैम्प्स डाल दिए, अभी कनेक्टिंग टेल लैम्प्स डाल दिए। इस तरह से VW और स्कॉडा काम नहीं करती है, दे पुट स्टफ विच आर रियली मिनिमल, सो आपकी गाड़ी एज वेल करेगी। और जितने भी मेरे वीडियो पे हुंडई और किया वाले कमेंट करने वाले हेट करके कि भाई तुम हमेशा मुझे और हमें टारगेट करते हो, तो भाई ये वही विक्टिम है कि उन्होंने गाड़ी ली होगी 1 साल पहले और उसके बाद 2 फेसलिफ्ट ऐसे आ गए, सारा इंटीरियर बदल दिया उन्होंने, सारे मीटर बदल दिए, सारी चीज़ें बदल दी। सो दीज पीपल आर दोज विक्टिम्स, समझ रहे हो। ये वही लोग हैं जो परेशान हैं कि भाई हम तो गाड़ी लेते हैं, ये साले 2 साल में 3 साल में ये हमारी गाड़ी को बिल्कुल ही पुरानी कर देते हैं।
तो ये वो विक्टिम है, तो हमारी VWO स्क्वाडा में नहीं होता है। और भाई कुछ भी बोल लो, ये हकीकत है, इसमें आप कुछ चेंज कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। मतलब आज अगर आप गाड़ी लेते हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पुरानी गाड़ी ली है। सो ये पॉइंट भी आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाली है, और बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन डिसाइड योर सेल्फ कि व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। 1.0 लेना है, 1.5 लेना है, वो भी आपके ऊपर डिसीजन है। आज अगर आपका बजट होंडा अमेज का था और थोड़े से पैसे डाल के 1.0 वर्टस ले सकते हो क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस में, सो व्हाई नॉट टू ग्रैब अ रियली गुड कार रैदर देन अ कार विच इज़ चीपर एंड विच इज़ नॉट रियली गुड इन क्वालिटी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, व्हाई नॉट टू ग्रैब इट। सो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको अब भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो, मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने की, ठीक है। सो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।